नमस्कार, जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। रविवार का दिन बहुत बड़ा रहने वाला है, खास करके झारखंड के लिए। क्यों? क्योंकि जो मौजूदा राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं उसके बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रांची आना और यहां पर आदिवासी रैली में हिस्सा लेना, उस रैली को संबोधित करना, मकसद साफ है कि झारखंड की आदिवासी जनता को तो संदेश देना ही देना और यहीं से पूरे देश की आदिवासियत पर, सियासत पर उसको साध लेना है। इसके मायनों को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी तैयारियां क्या चल रही है यह भी समझने की कोशिश करेंगे आज। साथ ही आज समझने की कोशिश करेंगे कि मांडर के उपचुनाव की सियासी बिसात किस तरीके से बिछ रही है, क्या क्या तैयारियां, चूंकि प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है तो अब मांडर का सियासी गणित क्या कहता है। इसके बाद आज हम आपको एक चीज दिखाने वाले हैं जो बहुत बड़ा खुलासा होगा। एक पत्ता जो करोड़ों का है, ऐसा कौन सा पत्ता है और इस पत्ते से जुड़ा अरबों अरब का खेल, ऐसा खेल जो आपने ना देखा ना सुना। टेरर फंडिंग सिर्फ कोयले से जुड़ी नहीं होती, टेरर फंडिंग पत्ते से जुड़ी भी होती है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं और ये तमाम चीजें आपको हम दिखाएंगे डंके की चोट पर। पर्यावरण दिवस यानी 5 जून, 5 जून को रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की विश्वास रैली है। इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर आपको हम ग्राउंड जीरो से स्थितियां दिखाएंगे कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। रिपोर्ट दिखाइए। दिवस पर बीजेपी की विश्वास रैली, रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की रैली, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली। 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे जेपी नड्डा रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से सीधे रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे। रैली में अनुसूचित जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ ही प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया भी मौजूद रहेंगे। इस झारखंड के अंदर 32 जनजातीय समूह रहते हैं। कल के कार्यक्रम में 3200 जनजातियों के संस्कृति का वो परिचायक होगा। सब अपनी अपनी वेशभूषा में वहां पहुंचेंगे, सांस्कृतिक और संस्कृति का वहां संगम होगा, महासमागम होगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली के बहाने बीजेपी की आदिवासियों को पार्टी से जोड़ने की है। रैली के जरिए केंद्र सरकार की ओर से आदिवासियों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी, साथ ही आदिवासी समागम में आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक जत्रा और रैली में राज्य भर से 50,000 की संख्या में हमारे जनजाति भाई बहन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संवाद को, मार्गदर्शन को सुनने के लिए आ रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के विश्वास रैली पर तंज कसा है। टी एक्ट, एसपीटी एक्ट में संशोधन लाकर आदिवासियों की जमीन लूटने का षड्यंत्र पिछली सरकार ने किया। आदिवासी भूले नहीं, इतना आसान से भूलेंगे भी नहीं। एक ही संपत्ति आदिवासियों के पास है, वो उनकी भूमि है, और पिछली सरकार ने उस पर छेड़छाड़ करके आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ किया है। इतनी आसानी से आदिवासी उनके पास नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, 70 साल क्यों नहीं कांग्रेस अपने कालखंड में झारखंड का निर्माण किया? क्यों नहीं कांग्रेस ने अलग मंत्रालय बनाने का काम किया था कि आदिवासियों के हित में अलग मंत्रालय बनाया जाए? क्यों नहीं कांग्रेस हमारे भगवान बिरसा मुंडा को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान दिलाने में असफल हुआ? रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्वास रैली की जोरदार तैयारी है। रैली में 50,000 से ज्यादा आदिवासियों के जुटने का दावा किया जा रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
रविवार को रांची में आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। अब इस रैली का नाम भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली है। इस रैली की तैयारी का जायजा ले रहे हैं सहयोगी राजेश, एक बार इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर हम ग्राउंड जीरो पर चलते, एक बार रिपोर्ट दिखाइए। 5 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यक्रम की कड़ी में रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी विश्वास रैली का आयोजन हो रहा है और इस रैली में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आ रहे हैं और पूरी तैयारी की जा रही है। अब देखें कि पूर्व संध्या में ये स्थिति है। पार्टी का दावा है कि वो प्रयास कर रही है कि लगभग 50,000 आदिवासी समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों, लेकिन ये व्यवस्था चूँकि बारिश की भी संभावना है इस लिहाज से देखें तो यहाँ पर सारे पंडाल बनाए गए हैं और बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर प्रदेश के बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं और दीपक प्रकाश हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, प्रदेश स्तर के कई नेता हैं जो यहाँ पर तैयारी का जायजा ले रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। 5 जून को 11 बजे जेपी नड्डा रांची पहुंचेंगे और शाम 6 बजे वो रांची से रवाना होंगे। इस दौरान एक रैली का आयोजन जो हो रहा है उसको वे संबोधित करेंगे। इसके अलावा पार्टी कार्यालय में कई जिलों के जो भवन बने हैं या बनने वाले हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो ये जायजा लिया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी हो रही है। हम अपने कैमरामैन कौशल को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि लोगों के बैठने का क्या इंतजाम है। सभी लोग लगे हुए हैं, अभी समय है, रात भर काम होगा, तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा, साउंड सिस्टम वगैरह सारे लगाए गए हैं। इस रैली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहेंगे, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रहेंगी, झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया भी रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के जितने भी विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे और इसे भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि रैली में कितने लोग आते हैं। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। तो ये तस्वीरें दिन की थी, इसके बाद बहुत सारी अपडेट्स हुई हैं, तो हमने सोचा कि आपको वो तमाम तैयारियां दिखाते हैं। देखिए, सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश वही मोरहाबादी मैदान में मौजूद है जहां पर बिरसा मुंडा आदिवासी रैली आयोजित होने वाली है। राजेश जी, आपका कैमरा क्या कुछ देख रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं फिलहाल, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और रात भर ये काम होगा। ये मंच है जो जहाँ पर जेपी नड्डा आएंगे और भी जो भी केंद्रीय मंत्री है या पदाधिकारी है वो सभी लोग रहेंगे। हम आपके कैमरामैन से कहेंगे कि जरा ओवरव्यू दिखाए कि क्या है स्थिति अभी। ये मंच को अंतिम रूप दिया जा रहा है, साउंड सिस्टम विशेष तौर पे कोलकाता से मंगाए गए हैं, पंडाल तो रांची के टेंट हाउस का है और यहाँ पर सभी चीज़ें टेस्ट की जा रही हैं और एक डी एरिया बनाया गया है। डी एरिया सुरक्षा के लिहाज से, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए ये डी एरिया बनाया गया है, तो सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस डेप्यूटेशन होगा कल सुबह से, लेकिन अभी पार्टी के पदाधिकारी हैं या फिर कार्यकर्ता हैं वो सभी इधर लगे हुए हैं। इधर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देख लीजिए, यहाँ पर मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है उन लोगों की जो इस काम में लगे हुए हैं, जिन्हें दायित्व मिला है वो इस काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर कैसे कैसे क्या करना है जेपी नड्डा के कार्यक्रम से पहले और उनके आने तक किनको क्या अलग अलग दायित्व मिला है। कल 11 से 11:15 के बीच जेपी नड्डा रांची पहुँचेंगे, एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होगा। विभिन्न वेशभूषा में, खासतौर पर आदिवासी संस्कृति से जुड़े जो वेशभूषा है उसका इंतजाम किया गया है। पूरे प्रदेश स्तर से कई टोलियां मंगाई गई हैं जो यहां पहुंच भी गई हैं। इसके अलावा रास्ते भर में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा होगी, जैसे हीनू चौक है, बिरसा चौक है, वहां पर बिरसा मुंडा चौक जो है वहां पर भगवान बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय अध्यक्ष माल्यार्पण करेंगे। वहाँ इसके अलावा वो DPS चौक, अरगुड़ा चौक, बीजेपी कार्यालय होते हुए सीधे मोरहाबादी मैदान आएंगे जहां पर यह रैली होनी है।
तो ये सारे कार्यकर्ता हैं, डिप्टी मेयर भी हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर हैं और कई मोर्चा के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं जो सहयोग दे रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम है और सफल कार्यक्रम बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कई दिनों से यहाँ पर ये तैयारी हो रही है, कई दिनों तक निरीक्षण के तौर पर आया है। पंडाल जो है वाटरप्रूफ बनाया गया है, ये चूंकि बारिश की संभावना है इसलिए 1, 2, 3 ऐसे पंडाल बड़े बड़े बनाए गए हैं, कुर्सियाँ भी लगकर तैयार हैं। तो तैयारी अंतिम चरण में है, लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और जिन्हें छोटा मोटा दायित्व मिला है क्या करना है नहीं करना है, ये सभी लोग यहाँ पर अपना अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। मेन रूप से डिप्टी मेयर जो है संजीव विजयवर्गीय यहाँ पर सभी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि इन्हें क्या काम करना है। तो ये कार्यक्रम है, यहाँ पर संबोधन होगा। कार्यक्रम का नाम दिया गया है, देखिए अभिषेक, ये इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कई प्रदेशों में भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं अलग अलग रूप में। रांची में यह बिरसा मुंडा विश्वास रैली के नाम पर ये रैली हो रही है, जिसे हम लोग आदिवासी रैली के, और बताया तो ये जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डरिंग एरिया से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। रात में भी कई लोग, बहुत सारे लोग पहुँच जाएंगे, उनका भी आवासन का इंतजाम किया गया है। साउंड सिस्टम कोलकाता से विशेष तौर पर मंगाया गया है, इसके अलावा कुर्सियाँ देखिए आसपास के जिलों से भी मंगाई गई हैं, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ती है। पार्टी का कहना है कि 50,000 लोगों का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 25-30 हज़ार लोगों की कैपेसिटी ज़रूर है जो लोग आएंगे यहाँ पर शामिल होंगे। भोजन का अलग इंतजाम किया गया है, उस तरफ भोजन की अलग व्यवस्था हो रही है और शाम से ही भोजन बनना शुरू हो गया है। जो लोग आज यहाँ आएंगे रहेंगे उनके लिए भोजन का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। मोटे तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है ये बीजेपी के लिए, और एक सफल कार्यक्रम हो ये चुनौती भी है, क्योंकि एक जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके कार्यक्रम अच्छे होने चाहिए, ये सभी के जहन में है और यही प्रदेश पदाधिकारियों की टोली पूरी लगी हुई है। वैसे ये एसटी मोर्चा को विशेष दायित्व दिया गया था कि वो रैली का की तैयारी करे, लेकिन चूंकि बड़ा कार्यक्रम है तो पूरी टीम जो है प्रदेश स्तर की वो सभी लोग, आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी भी आज आए हुए थे, 2 दिन पहले दीपक प्रकाश आए थे और प्रदेश पदाधिकारी लोग थे। आज दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी ने पूरा घूम घूम कर चीज़ों को देखा कि कैसे क्या व्यवस्था हो रही है और कुछ निर्देश भी दिए कि लोगों को कैसे मैनेज करना है। मीडिया के लिए अलग जगह बनाई गई है, ये जगह मीडिया के लिए है, और भी इंतजाम किए गए हैं। रास्ते में 2000, जो बताया गया है कि 2000 बाइक सवार वो आगे आगे चलेंगे रोड शो के तरह, ये एयरपोर्ट से लेकर यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल हो रहा है यहाँ तक वो बाइक सवार जो रैली रोड शो है वो सभी लोग, खास तौर पर महानगर को ये दायित्व दिया गया है, युवा मोर्चा को दायित्व दिया गया है कि वो लोग आगे आगे अगवानी करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है और आने वाले समय में बीजेपी ये सोचती है कि इस तरह के कार्यक्रम से जो आदिवासी हैं वो और जुड़ेंगे, और उसका मानना है कि झारखंड में जब से ये गठबंधन की सरकार बनी है तो आदिवासियों पर कथित रूप से हमले हुए हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है। तो जो 2019 में आदिवासी समाज के लोग ने थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई थी, और आप देखें कि 2 ही ट्राइबल एमएलए हैं बीजेपी में, तो इसको, इस कमी को, इस गैप को पाटने के लिए ये पार्टी का एक कार्यक्रम है। मैंने आज पूछा भी बाबूलाल मरांडी से क्या कि ये इसे मिशन 2024 के रूप में देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय ही यह कार्यक्रम करती है, अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहता है, साल भर कार्यक्रम अलग अलग स्वरूप में चलता रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज हमसे रूठा नहीं है, ये अलग बात है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन ये बीजेपी जो है वो आदिवासियों के लिए काम करती रही है, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अलग एक जनजातीय मंत्रालय का गठन भी किया गया, आज उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा,
तो बीजेपी का मानना है कि इस राज्य का गठन जो है उसने कराया है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राजेश जी का अलग राजेश जी निर्माण हुआ, झारखंड बना। झारखंड में मांडर उपचुनाव अभी सर पर है, सबसे पहली परीक्षा बीजेपी की वहीं पर होने वाली है मांडर उपचुनाव में। मांडर उपचुनाव, मांडर जिस सीट की बात कर रहे हैं, मांडर सीट रिजर्व सीट है, पहली चीज। सिर्फ मांडर के परिप्रेक्ष्य में इसे नहीं देखते हैं, मैं पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम बताता हूं, क्योंकि मौजूदा जो सियासी हालात चल रहे हैं, इस हालात में इस रैली का महत्वपूर्ण जो महत्व है वो और बढ़ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मौजूदा हालात है, मुख्यमंत्री को हमने देखा कि अभी जो आंदोलन माफ कीजिए आंदोलनकारियों को जो चिन्हितीकरण को लेकर के जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो बयान है उसको आप सुनिए। उस बयान में मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई पहले यह होता था कि यहाँ के संसाधनों पर पहला हक बाहरियों का होता था, अब पहला हक झारखंडी खाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो बाहरी खाएंगे, मुख्यमंत्री का यह बयान, पहली चीज। और उसके बाद फिर अब मतलब बीजेपी का ये आदिवासी रैली, विशाल आदिवासी रैली, इस मौजूदा सियासी जो हालात चल रहे हैं उसमें तो बीजेपी का संदेश साफ है। मतलब अभी फिलहाल हर राजनीतिक दल जो है वो यही संदेश देना चाहता है कि भाई आदिवासियों के लिए हम खड़े हैं, आदिवासियों के लिए हम खड़े हैं, आदिवासियों के लिए हम खड़े हैं, संदेश यही है ना राजेश जी? हाँ, देखिए झारखंड में लगभग 27-28% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और ये राज्य ही बना था आदिवासियों की संस्कृति और उनके अस्तित्व को बचाने और उन्हें समृद्ध करने के लिए, क्योंकि जब संयुक्त बिहार हुआ करता था तो ये दक्षिणी बिहार का इलाका हम सभी जानते हैं कि थोड़ा पिछड़ा हुआ था। कुछ एक जगहों को छोड़ दें कि धनबाद है, जमशेदपुर है, इन सब जगहों को छोड़ दें तो ये आमतौर पर माना जाता था कि ये बैकवर्ड एरिया माना जाता है, इसलिए इसे विकसित करने के लिए, चूंकि यहाँ पर खनिज संसाधन परिपूर्ण हैं और यहाँ का कोयला दूसरे प्रदेशों में जाकर बिजली घरों में बिजली पैदा करता है तो इसका अलग निर्माण है। इसकी मांग बहुत पहले से चली आ रही थी, ये अलग बात है। जैक का निर्माण हुआ, झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल का निर्माण हुआ, उसने उम्मीदों पर कोई बढ़िया काम नहीं किया, लेकिन अंततः यह बात सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस राज्य का 2000 में गठन हुआ और यहाँ की जो आबादी है वो यह मानती है कि हम लोग विकास के दौड़ में पीछे हैं और इसे आगे बढ़ना चाहिए। विकास पिछले आप देखें कि 21-21 साल में झारखंड आगे बढ़ा है, यह गलत बात कहना होगा कि झारखंड आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन आप देखें कि यह भी सत्य है कि विकास की अपनी एक सतत प्रक्रिया होती है। कोई भी क्षेत्र हो वहाँ विकास धीरे धीरे होता ही रहता है। आदिवासी समाज का जो रुझान है वो बीजेपी के प्रति पहले से था, लेकिन आप देखिए कि कई ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं जब चुनाव के समय आते हैं तो कई चीज़ें मोटिवेट हो जाती है, कई चीज़ें आप देखेंगे कि वो इन्फ्लुएंस करने लगती है। 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, आप उससे पहले का देखें, 2019 में ही लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ पर से कितनी सीटें गई, 12 सीटें एनडीए के फोल्डर में गई, एक आसू के सांसद चुने गए, बाकी 11 बीजेपी की। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आदिवासी के लिए बीजेपी ने बहुत किया या आदिवासी के लिए बीजेपी ने कम किया है। आप इसका विश्लेषण करें, सियासी लाभ हानि अलग अलग विषय है, चुनाव में इसका अलग पैरामीटर होता है, लेकिन समाज यह आगे बढ़ा है और हर सरकार चिंता करती है इस 27-28% आबादी वाले की, क्योंकि इनका अस्तित्व ये आदिकाल से हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंग रहे हैं, इसलिए इनका संरक्षण, इनका संवर्धन बेहद ज़रूरी माना जाता है। तो कोई भी सरकार इन्हें ओवरलुक करके नहीं चल सकती, इसलिए कहा जाता है कि आदिवासी यहाँ पर हैं, उनको साथ लेने के लिए हर दल मौजूद हैं। रैली स्थल पर जहाँ पर आप मौजूद हैं, शायद वहाँ पर साउंड टेस्टिंग वगैरह चल रही है, आपके पीछे से जो आवाज आ रही है ऐसा लग रहा है कि साउंड टेस्टिंग वगैरह चल रही है, ऐसा लग रहा है कि रात के अब 8:15 होने वाले हैं, इसके बावजूद वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ है जो तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक बार दिखाइए ना आपका कैमरा क्या देख रहा है, कैसी तैयारियां चल रही है वहां पे?
अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए साउंड टेस्टिंग तो हो ही रही है, सबको अंतिम रूप फुल प्रूफ कैसे बनाना है इसको, इस तरीके के अलग अलग इंतजाम किए गए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा दिखाएं कि लोग जिन्हें यह दायित्व तो मिला है, चूँकि रात भर यहाँ पर रहेंगे लोग और सभी को जवाबदेही मिली हुई है कि कौन कहाँ रहेगा क्या करेगा ये चीज़ें। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लगे हुए हैं, चाहे वो युवा मोर्चा के हों या फिर अन्य मोर्चा के, वो सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आप देखिए महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर भी देख रही हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर संजीव विजयवर्गीय से हम बात करना चाहेंगे, जरा सा उनको बुलाना होगा। अमित जी इधर आइए, आइए आप जरा उनको विजयवर्गीय जी को भी बुलाया जाए। अच्छा अमित जी, आप लोग क्या कर रहे हैं अभी इस समय? हम लोग अभी पूरी तरह से अपने तैयारी में लगे हुए हैं, सबको अलग अलग विभाग मिला हुआ है, सबको अलग अलग काम मिला हुआ है। हमारा पूरा मंच व्यवस्था और ये टेंट का व्यवस्था का जिम्मा मेरे पास है और पूरी तरह से हम उसकी रचना खड़ा कर रहे हैं, कहाँ पर क्या लगेगा, कैसे होगा, आएंगे हमारे कार्यकर्ता आएंगे वो किस तरह से बैठेंगे, हमारे आदिवासी भाई बहन आएंगे वो किस तरह से बैठेंगे, इसकी पूरी चिंता हम लोग कर रहे हैं अभी। इसी तरह और लोगों के पास और भी विभाग हैं और हम कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और एकदम पूरी तरह से सब कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर उत्साहित हैं, सब कोई अपने अपने काम पर अपने अपने जो जिम्मेदारी है आपने रखी है। यहाँ पर कितने लोगों का यहाँ पर जुटान संभव है पंडाल के अंदर? हमारा पंडाल के अंदर कम से कम 30,000 लोगों का जुटान हम लोग संभव किए हैं, 30,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ये वाटरप्रूफ पंडाल, वाटरप्रूफ, और लेकिन जो संख्या पानी का क्या, जो संख्या है उससे ज़्यादा लाखों में संख्या यहाँ पहुँचने वाली है, ये पंडाल भी छोटा पड़ जाएगा कल। तो ये हमारे साथ हैं डिप्टी मेयर और बीजेपी के नेता संजीव विजयवर्गीय हैं, हम उनसे उसके बाद पुरुष का 3 स्टॉल रहेगा, क्या है अंतिम समय में ये क्या इंतजाम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे मीटिंग करते हुए पाए गए हैं? देखिए हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष नड्डा जी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं और एक उत्साह है कार्यकर्ताओं में, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसे अच्छी हो, बैठने की व्यवस्था कैसी हो और साथ ही साथ जब आ रहे हैं तो उनको खाने पीने की भी कोई परेशानी ना हो, उसी की मैनेजमेंट में हम लोग लगे हुए हैं। सब कार्यकर्ता अच्छे से आए और अच्छे से चले जाएं और नड्डा जी के पास भी एक ऐसा दर्शन झारखंड का हो कि उनको भी लगे कि हाँ झारखंड एक डिसिप्लिनरी पार्टी में, झारखंड में अपनी पार्टी एक डिसिप्लिन मेंटेन करती है, तो हम लोग उसी को मैनेज करने में लगे हुए हैं। जी ये बताइए कि अभी तो मांडर का चुनाव चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है जी, आपकी प्रत्याशी भी घोषित होगी, इसको इससे इंटरलिंक किया जा सकता है क्या? देखिए मांडर का चुनाव ऐसा चुनाव है जो स्वाभाविक चुनाव है और ये कार्यक्रम हमारा बहुत पहले से निकला हुआ था, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि नड्डा जी के आने के बाद मांडर में एक तरफा वेव चलेगा और गंगोत्री जी जो आज हमारी कैंडिडेट बनी है वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगी। इस रैली के बाद एक अलग तरह का, मैं समझता हूँ कि पूरे झारखंड में एक हवा बहने वाली है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अपने परचम को लहराने का काम करेगी। ये अवसर जो है, मुझे थोड़ा समझाने का प्रयास आप करें कि क्यों चुना गया यहाँ पर आदिवासी रैली हो, चूँकि अभी कोई जनरल इलेक्शन है नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी वर्षों भर अपने काम में विश्वास करती है, मैं नहीं मानता हूँ आपने जो कहा कि अभी ये मौका चुना गया, हम तो सालों भर ये कार्यक्रम करते हैं। और बड़ा कार्यक्रम देखिए, हमेशा आप देखे होंगे हम लोग, कोई महीना ऐसा नहीं होगा जब हम लोग कोई कार्यक्रम विहीन पार्टी का एजेंडा रखते हैं, हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते हैं और साथ ही साथ हमेशा एक व्यवस्था बना के रखते हैं जिससे कि हमारे कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहें, और चूंकि मांडर का चुनाव बीच में है तो कहीं ना कहीं ये रैली हमारे लिए फायदेमंद होगी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आदिवासी समाज को कन्विंस करने के लिए ये कार्यक्रम कितना सहायक होगा?
देखिए हमारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र झारखंड प्रदेश है और इस तरह की रैली का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने जनजाति समुदाय के सभी लोगों को अपने पार्टी में जोड़ने का काम करें। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है तो 100% जन उपयोगी कार्य हम इतना किए हैं जिसका डायरेक्ट फायदा हमारी अनुसूचित जनजाति के समाज के लोगों को हुई है और उनको बताना, उनके पास जाना और जो कमियां हैं उनको फिर से देना, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, 2024 मिशन 2024 को इससे जोड़ कर देखा जा सकता है? 100% 2024 हम तो बोले कि जिस दिन 2019 का चुनाव हुआ था उसी दिन से हम फिर से अपने आगे के लक्ष्य के लिए दौड़ पड़े थे। भारतीय जनता पार्टी बैठने वाली पार्टी नहीं, हमारे कार्यकर्ता बैठने वाले नहीं, हम लोग लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि अगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आज 10 हैं तो कल 20 कैसे होंगे और परसों 100 कैसे होंगे। हम इसी नीति पे चलते हैं और हमेशा चलाईमान रहते हैं। मानते हैं कि 2019 का जो रिजल्ट आया उसमें आपको सीट जो है ट्राइबल सीट वो नहीं आ पाए, दो ही आपके विधायक चुने जा सके, कहीं ना कहीं नाराजगी थी उस वक्त जो कि आपकी सरकार थी? देखिए यूपीए गठबंधन ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है झूठ का पुलिंदा बांध के, उसके कहीं ना कहीं लोक लुभावन जो वादे थे उसमें जनता का मोड़ हुआ होगा और वही कारण रहा कि हमें कम सीटें मिली। लेकिन जो आज दिख रहा है, आज हम पूरे झारखंड प्रदेश में देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछली सरकार जो बनी, जिस वादों के साथ बनी, सभी चीज़ों को की पूर्ति ना तो हो पाई है और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम है। तो हम जरूर ये प्रयास कर रहे हैं कि जहां हमारी चूक हुई होगी वहां हम कैसे पूर्ण हो और हम कैसे झारखंड की जनता का काम ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए उनके बीच में अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम। आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से कोई आदिवासी समाज के लोग और जुटेंगे? बिल्कुल, क्यों, 100% जुटेंगे। और आज पूरे झारखंड में लहर चल रही है, आज जनजाति समुदाय के लोग चाहे किसी भी पार्टी में हो वो लगातार फोन से संपर्क करके कि मुझे भी आना है, हमें भी आना, और इस तरह की बातें आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जो अभी तक भाजपा से नहीं जुड़ा, पूर्ण रूप से नहीं जुड़ा हुआ था, वो पूर्ण रूप से जुड़ने का काम। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये उलगुलान होगा, एक किस तरह का उलगुलान होगा? बिल्कुल, पूरे झारखंड को एक करके झारखंड में सभी समाज के लोगों को, साथ ही जनजाति समाज को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का आह्वान करने का कि हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए, झारखंड को हम एक समृद्धशाली राज्य बनाने का काम करेंगे, ऐसा उलगुलान होने वाला है। ये सरना धर्म कोड को लेकर बड़ा संवेदनशील विषय है, इस पर भी कुछ होगा कल, कुछ आप समझाएंगे, आपके नेता समझाएंगे? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, वो क्या समझाएंगे नहीं समझाएंगे ये तो मेरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं जरूर समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आके आप पूरी अपनी मनसा को झारखंड की धरती में देखे जाएंगे और आगे आने वाले दिनों में हम उन चिन्हों पर हम चलने जा रहे हैं। चलिए राजेश जी, संजीव विजय वर्गीय ने अपने, हाँ आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मांडर उपचुनाव पर भी एक चर्चा आपके साथ करनी है, आपके साथ मांडर उपचुनाव पर भी एक चर्चा करनी है। देखिए तमाम बातें इस रैली से जुड़ी हुई, तमाम जो पहलू हैं वो आपने दिखा दिया, तमाम जो अपडेट विजुअल्स हैं वो भी हमने दर्शकों को दिखा दिया कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई आज आपको कुछ और दिखाना चाहिए था, लेकिन हमें ये लगता है कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है, चूंकि कल का दिन झारखंड के लिए बहुत बड़ा रहने वाला है, इसके सियासी मायने बहुत दूर तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, चूंकि अभी मांडर उपचुनाव तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ ही हम आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाएंगे कि टेरर फंडिंग पत्तों से भी हो सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।